देखो ये पैंथर तो है ही, पर ये अब आगे सावधानी की जरूरत है। ऐसा नहीं हो कि किसी इंसान पर हमला कर दे, एक बकरी और दूसरे जानवर की अलग बात है, लेकिन इंसान पर हमला करना है, किसी बच्चे पर करना, तो वो थोड़ा दुखदायी होगा। डी ब्लॉक कोटड़ा में पैंथर के मूवमेंट से क्षेत्रवासियों में व्याप्त हुई दहशत। कल्पतरु मार्ग पर एडवोकेट रजत कुमार के सीसीटीवी कैमरे में हिरण और पैंथर का मूवमेंट हुआ कैद। इन दिनों अजमेर के आसपास पैंथर की मूवमेंट देखी जा रही है। जिले के वन्य क्षेत्र में पैंथर की मूवमेंट से दहशत का माहौल है। हर दो तीन दिन के बाद पैंथर अपना मूवमेंट का स्थान बदलता जा रहा है। अप्रैल के पहले सप्ताह में जहां नारेली और बड़लिया क्षेत्र में पैंथर देखे जाने के मामले सामने आए, तो वहीं 12 अप्रैल को कल्याणीपुरा क्षेत्र में पैंथर दिखाई दिया। 13 अप्रैल को माकड़वाली गांव में पैंथर के पगमार्क मिले। 21 अप्रैल को चौरसियावास गांव की छत पर दो पैंथर छलांग लगाते हुए दिखाई दिए। इसके बाद 30 अप्रैल को नौसर घाटी गांव में पैंथर की मूवमेंट दर्ज की गई। तो बीती रात डी ब्लॉक कोटड़ा इलाके में एडवोकेट रजत कुमार के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में एक हिरण और पैंथर के बच्चे की मूवमेंट कैद हुई। एडवोकेट रजत कुमार ने बताया कि वह डी ब्लॉक कोटड़ा कल्पतरु मार्ग डिस्पेंसरी के सामने रहते हैं। उन्होंने दो तीन दिन पहले ही अपने घर पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं, जिसमें बीती रात लगभग 1:15 बजे एक हिरण दिखाई देता है। उसके कुछ ही देर बाद एक छोटा पैंथर का मूवमेंट भी देखा गया। इस घटना से क्षेत्रवासियों में दहशत का माहौल है। घनी आबादी क्षेत्र होने से यहाँ महिलाओं और बच्चों के बीच में पैंथर की घटना का उल्लेख होने से वे डरे और सहमे हुए हैं। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज दिखाए, तो उन्होंने इसे हिरण और पैंथर मानने से इनकार कर दिया, जबकि उन्होंने खुद रात को इस घटना को देखा है। उन्होंने बताया कि पहाड़ी और जंगली इलाका होने से पैंथर या अन्य जानवर की मूवमेंट होने का अंदेशा बना रहता है। किस तरह की घटना हुई है घर के बाहर और क्या देखा? ये घटना तारीख 9 तारीख की है, रात को 1:25 की है। मैं घर के अंदर बैठा हुआ था, मैंने कैमरा ओपन करके देखा तो सामने मुझे एक हिरण दिखा। हिरण को मैंने कैमरे में कैप्चर किया, उसको जूम करके देखा तो वो हिरण ही था। उसके बाद एक छोटा सा पैंथर जो गेट के बाहर आके बैठा, और कम से कम 5 से 7 मिनट बैठने के बाद उसके बाद वो उस हिरण के पीछे भागा, और उसकी ऐसी कोई भागने की घटना उसमें कैप्चर नहीं हुई, लेकिन यहाँ से जंप करने के बाद 5 से 7 मिनट तक वो घर के बाहर बैठा रहा। इससे रात में मैंने बाहर आके भी देखा थोड़ा बहुत, लेकिन जब तक वो दोनों जानवर जा चुके थे। क्षेत्रवासियों में और सब में ये डर है कि रात को 9 बजे के बाद जैसे कोई निकलता नहीं है घर के बाहर, कल से जो डर हुआ है। और दूसरी बात ये कि भाई आज एक छोटा शेर था, कल को कोई बड़ा जानवर या वो जानवर दोबारा दिखता है तो इसमें क्षेत्रवासियों के लिए, हमारे लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। आबादी क्षेत्र है, पॉपुलेशन है काफ़ी। और कल वन विभाग वाले आए थे, उनका कहना ये था कि ये पैंथर नहीं है और ये जो है ये हिरण नहीं है, उनका कहना ये था। पर इसमें साफ दिख रहा है कि ये पैंथर है, और इसमें कल रात की जो ये घटना है उसके बाद से लोगों में डर है। किस तरह से डर लगा हुआ है अब, क्या वॉक पे भी जाना मन? दिन में तो फिर भी पब्लिक घूमती है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल अभी खाली जगह है सब जगह। उसके बाद भी रात को तो लोग 8 बजे अपने घर में घुस जाते हैं, जैसे हम भी सिर्फ गेट से देखते हैं कि ऐसा नहीं हो कि उसका जानवर का हमला किसी महिला पर या किसी बच्चे पर हो जाए। अभी भी मतलब यही आसपास है वो? हाँ, लगता तो यही है कि जब अभी कैमरे में कैप्चर हुआ है और कल एकदम से उसका देखना, हो सकता है इससे पहले भी वो यहाँ आवागमन करता हो, उसका मूवमेंट हो, जरूर हो ऐसा। तो आपको कैसे मालूम चला रात को, मतलब इस तरह से, मतलब रात को ऐसे एकदम से सुनसान था मोहल्ला, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई किसी के चलने फिरने की ऐसी कोई आवाज़ नहीं आ रही है, क्या बात है। कैमरा ऑन करके देखा तो उसमें दोनों जानवर कैप्चर हुए, तब लगा कि कोई कुत्ता उत्ता भी गली में नहीं। इनके डर की वजह से कल रात को पूरी कॉलोनी खाली थी। क्या मानते हो कि कैमरा भी आपने कल परसों ही लगाया? तो ये तो एक अब इत्तेफाक है कि कैमरा लगाना हुआ और जानवरों का कैप्चर हो गया। इससे पहले भी ये जानवर आते थे, पर पहले कैमरा नहीं था तो उसमें कभी ऐसा शो नहीं हो पाया, लेकिन अब जब कैमरा इसमें था तो इसमें आप ये साफ दिख रहा है कि ये जानवर यहाँ आते हैं और कंटिन्यू आते रहे हैं और आगे भी आएंगे। पास में पहाड़ी है, ये भी कारण हो सकता है? पहाड़ी का कारण हो सकता है, कुछ प्लॉट खाली हैं, आगे जंगल भी है, या हो सकता है पुष्कर की तरफ से आए हो, और पहले भी आए हैं ये तो कंफर्म है। कुछ समय पहले भी ये बाहर पौधे लगे हुए हैं, तो ये जाली वाली भी बिखरी हुई थी और टूटी हुई थी, जो एक गाय नहीं कर सकती, उसका हमने कांटे लगाए, उसके बाद भी यहाँ तोड़फोड़ हुई थी। तो कुछ दिन पहले भी अपने नज़दीक में ही पैंथर का मूवमेंट हुआ था, बकरी उठा के ले गया, तो क्या लगता है आपको? देखो ये पैंथर तो है ही, पर ये अब आगे सावधानी की जरूरत है। ऐसा नहीं हो कि किसी इंसान पर हमला कर दे,
एक बकरी और दूसरे जानवर की अलग बात है, लेकिन इंसान पे हमला करना है, किसी बच्चे पे करना, तो वो थोड़ा दुखदायी होगा। हिरण पे शिकार नहीं कर पाया? हिरण पे शिकार के पीछे भागा जरूर था वो, लेकिन वहां तक कैमरा कैप्चर नहीं कर पाया, इसलिए उसमें वो आया नहीं है।